नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सोशल मीडिया पर किसी का वीडियो वायरल होना, उसकी तारीफ होना, उसकी चर्चा होना और रातों रात उसका सोशल मीडिया पर छा जाना, कौन इसे बुरी बात कहेगा? जाहिर तौर पर अगर पॉजिटिव वे में किसी का वीडियो वायरल होता है, उसकी तारीफ होती है, तो फिर इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये जो वीडियो वायरल होता है, ये उस वक्त गले की फांस बन जाता है जब आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। और ऐसा ही हुआ है एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ। दरअसल आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर एक महिला पुलिसकर्मी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, ये हाथ में बच्चे को लिए हुए अपनी ड्यूटी निभा रही थी। 11:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब ये चौराहे पर खड़ी हुई थी, ट्रैफिक व्यवस्था को देख रही थी। लेकिन इन सबके बीच इनके हाथ में इनका बच्चा था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इनकी तारीफ की कि भाई देखिए, माँ पहले हैं और उसके बाद ये अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इन पुलिसकर्मी के खिलाफ, इन कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। दरअसल प्रियंका नाम इनका बताया जा रहा है और ये वीडियो भी शुक्रवार यानी कि 5 मार्च के आसपास का बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में 15, 16, 23, 34 से लगते हुए गोल चक्कर यानी कि गोल चौराहे पर ये महिला कांस्टेबल की ड्यूटी थी। इनको पहुंचना था 8:30 बजे, लेकिन ये हो गई लेट और ये पहुंची 11 बजे। 11:15 बजे भी जब ये पहुंची तो इनके हाथ में इनका बच्चा था। किसी राहगीर ने चलते हुए इनका वीडियो बना लिया। अब वीडियो किस मंशा से बनाया गया था, ये तो बात की बात है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया। लोगों ने प्रियंका की तारीफ करनी शुरू कर दी। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि एक माँ तो माँ ही होती है, देखिए इनकी प्रायोरिटी पहले इनका बच्चा है, और इस तरह की जो बातें हमारे समाज में होती हैं, तो इस तरह से इनकी खूब तारीफें हुई। लेकिन दूसरी तरफ ऑन ड्यूटी बच्चे को लाना इनको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका लाख सफाई दे चुकी है अधिकारियों के सामने। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, मेरे बिना वो नहीं रह पाता है, तो कई बार जो मेरे घर वाले हैं यानी कि जो मेरी सास हैं, जो मेरे पति हैं, वो मेरे बच्चे को मेरे पास ले आते हैं। ऑफिस में भी 2-4, 10 मिनट वो मेरे साथ खेलता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको वो ले जाते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्यूटी पर लेट पहुंची थी, तो वो सीधा मेरे बच्चे को वहीं लेकर आ गए। थोड़ी देर मैंने उसको गोद में खिलाया और फिर उसको चलता कर दिया था। लेकिन इन सबके बीच ही मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, ये कहना है प्रियंका का। प्रियंका ने भले ही सफाईनामा पेश कर दिया हो, लेकिन विभागीय जांच उनके खिलाफ बैठ गई है और बड़ी कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है। बहरहाल फिलहाल जो बड़े अधिकारी हैं वो इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि कार्रवाई ना हो। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि भाई सोशल मीडिया पर सारी चीजें अब फैल चुकी हैं। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जांच बैठा तो गई है, लेकिन बैठा दी गई है, लेकिन एक्शन प्रियंका के खिलाफ कुछ लिया जाता है या नहीं, और लिया जाता है तो किस तरह का एक्शन लिया जाता है। कमेंट करके आप बताइए, ये वीडियो देखिए पहले तो आप, और फिर बताइए कि इस पूरे मसले पर आपको लगता है कि प्रियंका जो कि ये कांस्टेबल हैं, जो वहां पर अपनी ड्यूटी दे रही थी बच्चे के साथ, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर नहीं। जो भी आपकी राय हो, वो राय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि किसी के खिलाफ जांच बैठ रही है, वो शायद बच सकती है। या फिर जो भी आपका मानना हो, अगर आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, तो फिर जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।